20 इंच अलॉय पे रिस्पॉन्स मिले या ना मिले, अगर ये सामने से जाएगी ना हाँ, तो बहुत सी पब्लिक ऐसे तकती है कि हाँ भाई क्या कुछ कुछ आ रहा है ना, पीछे की लुक इस तरीके से आ रही है। और अब बात कर लेते भाई मेन चीज अपने अलॉय व्हील्स की, तो इसकी टक्कर नहीं है ना इसके इसके आगे S11 भी अच्छी नहीं लगती। सब बढ़िया हो गए और मस्त हो गए। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली, जैसे कि आपने यार नई वाली स्कॉर्पियो बहुत सारी देख ली होंगी मेरे चैनल पर। तो गाइज आज हम आपके लिए भाई ओल्ड वाली स्कॉर्पियो लेके आए, जो भाई बहुत ही अल्टीमेट है। और भाई इसकी जो लुक है वो अब तक की भाई कोई सी भी स्कॉर्पियो में नहीं है। और जो भाई ने काम कराया है बहुत अच्छा काम कराया है, सिस्टम वगैरह सब चीज आपको दिखाने वाले हैं, अलॉय वगैरह सब चीज आपको डिटेल में बताने वाले हैं। भाई का इंस्टाग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, यूजर नेम स्क्रीन पर आ ही रहा होगा। तो चलिए गाइस बिना किसी देर के स्टार्ट करते अपनी वीडियो को। तो गाइस आज की वीडियो हमारे साथ है नीशु भाई। तो भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई, आप सुनाओ। भाई बिल्कुल बढ़िया भाई। ये वाली स्कॉर्पियो मैं सच बताऊं भाई मेरे चैनल पे पहली बार आ रही है, तो भाई बहुत ही तगड़ी आपने बनाई हुई है ना। तो भाई सबसे पहले ये बताओ अपनी कार का मॉडल कौन सा है? 2014 मॉडल है। और आप देख सकते हो भाई कंडीशन बहुत ही बढ़िया बनाई हुई है। नहीं तो भाई 2014 में पता नहीं गाड़ी क्या से क्या बन जाता है ना, बंदे दो तीन बेर तो पेंट हो जाती है वो। तो भाई ने बहुत अच्छी मेंटेन करी हो, आप देख ही सकते हो। अगर बात करूं तो भाई कितने रन हो चुके भाई? 58 तो 58,000 अपनी चल चुकी है भाई। ये जैसा आपको पता है भाई 10 साल की वो इसकी वैलिडिटी होती है, डीजल होती है अपनी। तो भाई जैसे अब स्कॉर्पियो N1 आई है या इससे पहले वाली, तो कौन सी बढ़िया लगती है आप? ये वाली है वो यही स्कॉर्पियो N बेकार है, अच्छी है वो भी अपने सेगमेंट में अच्छी है, पर भाई इसकी टक्कर नहीं है ना इसके आगे S11 भी अच्छी नहीं लगती। ये तो है भाई, इसके आगे ना कोई सी वाली अपनी स्कोर भी बढ़िया नहीं लगती। तो ये वाली आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया बनाई हुई भाई। स्टार्टिंग करने वाले हैं फ्रंट से, तो भाई फ्रंट से लुक कुछ भाई इस तरीके की आ रही है। तो भाई ये बताओ सबसे पहले भाई फ्रंट में क्या क्या चीज चेंजेस है इसमें? भाई कुछ भी चेंज नहीं है, पहले LED लगवा रखी थी। अच्छा, इसमें फिर हटवा दी? हाँ हटवा दी, स्टॉक ही है कंपनी। अच्छा, जो भी है मतलब सब स्टॉक ही है। तो भाई ये साइड वाला मिरर बाहर से लगता है अपना ना, तो ये वाला ये बाहर से लगाया हुआ अपना, और भाई बढ़िया लुक आ जाती है इससे ना लगती। तो भाई कितने क्या कॉस्टिंग वगैरह पड़ जाती है इसकी साइड मिरर की? साढ़े तीन सौ चार सौ के समथिंग थी। तो भाई ये देखो और पीछे की तरफ दिखाते हैं आपको, जैसे मेरे को लग रहा है भाई फ्रंट से और बैक से स्टॉक ही है अपनी कार। तो ये देखो भाई, और रिफ्लेक्टर है पीछे है ना अपने, बस रिफ्लेक्टर लगे हुए ये देख सकते हो। और पीछे के लुक भाई कुछ इस तरीके के, मैं दिखाऊं वाइड एंगल में, ये देखो पीछे की लुक इस तरीके से आ रही है। और अब बात कर लेते भाई मेन चीज अपने अलॉय व्हील्स की, तो मैं टायर साइज की बात करूं तो भाई इसकी प्रोफाइल है 295/50R15। तो भाई 15 इंच की इसमें अलॉय व्हील है, और कंपनी से शायद मेरे 16-17 के आसपास इसमें आते हैं। कितने आते हैं? 16-17 के समथिंग आते हैं, है ना। तो भाई ने इसमें 15 करे हुए, तो भाई अब दुनिया तो भाई 20-20 लगा रही है उसमें, इतने छोटे कैसे भाई? भाई जो इसमें लुक है ना वो 20 में नहीं है, कंफर्ट भी अच्छा रहता है। हाँ इसमें कंफर्ट भी बढ़िया रहता है। अलॉय व्हील्स दिखा रहे वाले, तो भाई ये देखो ये है अपने भाई अलॉय व्हील्स। तो अगर टायर प्रोफाइल की बात करें तो 295/50R15 भाई अपने 15 इंच के भाई अलॉय व्हील्स है। तो भाई ये देख सकते हो बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं वैसे तो इसमें भाई, जैसे आजकल भाई बहुत बंदे 20-20 इंची डलवा रहे, तो भाई आपके तो 15 इंची है ना भाई? इन्हीं में मजा आता है, बढ़िया वाला। अच्छा इसमें मजा आता है, कंफर्ट है इसमें। प्लस भाई ये देखो प्रोफाइल ना बहुत ही बढ़िया है, ये देख सकते हो। तो कंफर्ट भी अपना पूरा प्रॉपर है, और इसकी ना लुक ही कुछ इस तरीके से आती है, जो पहले की अगर किसी बंदे ने अगर ये वाली स्कॉर्पियो अगर मॉडिफाइड अलॉय डलवाए हुए तो मोस्टली भाई इस वाले अलॉय पे जाता है वो ना भाई, जहाँ से निकलती देखती है पब्लिक मुड़ गया। तो भाई ये देखो, तो भाई इसमें कितने एवरेज देती है अपनी, एवरेज में कुछ फर्क है कैसे भाई? लोकल में तो वही 16-17 के समथिंग, और 18-19-20 की देती, मतलब 20 तक की एवरेज निकाल देती है आराम से। तो मतलब भाई एवरेज भी भाई बढ़िया दे रही है, जैसे कि क्योंकि भाई ने साइज छोटा करवा। और ये देखो भाई गैप कितना है इसके अंदर, है ना। तो भाई पूरा प्रॉपर गैप है भाई, बैठने बैठने से कोई दिक्कत ही नहीं होती, जितनी भर लो इसमें, है ना, कितने ही भर लो भाई। तो भाई ये देखो बढ़िया लग रही है। तो भाई अब ये बताओ कि कितने के क्या पड़ गए थे अपने अलॉय व्हील्स? भाई ये पड़े थे आपकी वही
अच्छा 85-90 के आसपास के। तो भाई कितने मतलब कितने साल वाल हो गए इन्हें लगे हुए? भाई इनको रिसेंटली जो पहले स्कॉर्पियो थी उसमें थे 750, इसमें रिसेंटली कोई ऐसी साल भर हुआ। अच्छा साल भर हुआ, सिंपल थी। अच्छा पहले सिंपल थी, तो भाई मतलब कि मजा आता है इसे चलाने में, इसके इस टायर उन टायरों पे भाई पूरा मजा आता। नॉइज वगैरह तो क्रिएट नहीं होती कि अब चलते हुए नॉइज आ रही हो? नॉइज कुछ भी क्रिएट नहीं होती भाई, चला के देखो कंफर्ट कंफर्ट पूरा पूरा। तो भाई ऑलमोस्ट हमने, मेरे को लग रहा है बाहर से हमने प्रॉपर दिखा दिया ना भाई, तो भाई ये 20 इंची अलॉय पर रिस्पॉन्स मिले या ना मिले, अगर ये सामने से जाएगी ना हाँ, तो बहुत सी पब्लिक ऐसे तकती है कि हाँ भाई क्या कुछ कुछ आ रहा है ना। तो ये देखो ना मतलब कि गाड़ी और भाई टायर कितने बाहर है, ये देखो बॉडी से भाई, ये देखो कितने कितने टायर बाहर है। तो बल्कि सी लुक आती है कंपनी है ना, और बढ़िया मेंटेन, और आप देख ही रहे हो बढ़िया बना रखी है भाई ने। और सिस्टम वगैरह भाई अपना क्या क्या इसके अंदर? भाई एक ओल्ड सीरीज पाइनियर 307, एक JBL है 1400 वॉट। अच्छा अच्छा, और एक बार दिखाएं? हाँ जी भाई, एक बार हम आपको भाई सिस्टम वगैरह दिखा देते हैं एंट्री में जाने से पहले। तो ये देखो बूट में भाई अपने अपने पॉइनर की चैंपियन सीरीज लगी हुई है, डबल कोइल वाला ना भाई ये? हाँ जी भाई। तो ये हो गया, और ये अपना सिंगल कोइल है JBL वाला, आप देख सकते हो 1400 वाट, और अपने पॉइनर के दो ओवल लगे हैं, और ये अपने ओल्ड सीरीज वाले भाई अपने ओवल ही बोलते हैं ना। हाँ जी बिल्कुल। तो भाई ये ना बहुत ही ज्यादा रेयर हो चुके हैं, उनकी भाई जो वोकल है बहुत ही प्यारी आती है हमें। हाँ जी भाई। और भैया डोर वोर में क्या क्या लगा हुआ अपने डोर वोर में भी है कैसे भाई? आगे रोक फोड़ के। अच्छा अच्छा, एक बार अंदर आ जाओ। तो भाई अगर फ्रंट में दिखाएं तो भाई अपने रोक फोड़ के लगे हैं भाई। भाई ये 2014 में लगवाए थे सबसे पहले। अच्छा 2014 में। तो भाई स्पीकर है, कंपोनेंट है, क्या चीज है? कंपोनेंट भाई, कंपोनेंट है। तो रोक फोड़ के अपने कंपोनेंट लगे हैं। स्टीरियो की बात करें भाई, अपने पाइनर का स्टीरियो है भाई, ये भी उसी टाइम तो 19,500 रुपए का। अच्छा अच्छा, और सेंटर स्पीकर भी अपना लगा हुआ है। तो भाई DSP वगैरह भी है क्या? नहीं भाई DSP नहीं है, ओनली बस ये। और एम्प कितने लगे हुए भाई इसमें? भाई 2 एम्प, एक मोनो, एक चार्जिंग, एक चार्जिंग। तो भाई मोनो कौन सा अपना? मोजो भाई, मोजो का। और चार्ज 4 चैनल? 4 चैनल ब्रांड फोर्ड का। अच्छा अच्छा, तो भाई आउटपुट बहुत ही ज्यादा तगड़ा आने वाला है, तो आपको आउटपुट भी सुनाने वाले हैं। पहले इंटीरियर देखते, भाई इंटीरियर में भी कुछ ज्यादा खास चेंज नहीं है, बस जो भाई को मतलब शौक है मेरे ख्याल से भाई अलॉय सिस्टम है ना। हाँ भाई, भाई दो चीजें मेन होती है इंटीरियर में, तो भाई बाद में जाना पड़ जाता है ना भाई। वो XUV का करवा रखा है इंटीरियर, पापा नहीं करवाने देते इसको। तो भाई XUV आपको दिखा देंगे जल्दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चैनल पर। तो गाइस आपको ना सॉन्ग प्ले करके दिखाते हैं, और आउटपुट बहुत ही ज्यादा तगड़ा आने वाला है। बहुत ही ज्यादा तगड़ा आ रहा है इसका, है ना। और भाई जैसे अपने सेंटर स्पीकर ही अपने पाइन रखा, तो भाई इसकी क्या कॉस्टिंग वगैरह पड़ गई थी? भाई ये 2014 के टाइम में था, 5400 रुपए का। 5400 रुपए का। तो भाई अब 8000 के समथिंग, 8.5 के समथिंग, ये रॉक फोर्ड के उस टाइम कंपोनेंट थे उस टाइम। अच्छा उस टाइम पे। तो भाई ये बताओ ऑलमोस्ट कितना खर्च कर दोगे भाई पूरी गाड़ी पे? भाई 180-185 के समथिंग, एक लाख स्टार्टिंग से लेके अब तक, मतलब स्टार्टिंग से लेके अब तक 180-185 के आसपास का ना भाई। तो भाई आपको मतलब वर्थ लगा इतना पैसा खर्च करना कि हाँ भाई पैसा वसूल चीज है? पर ये गाड़ी से कभी संतुष्ट नहीं होता। हाँ ये तो भाई, घर गाड़ी में जितना पैसा लगा लो कम है, फिर ना वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहता सारी चीज, है ना, किसी भी चीज में नहीं लगा पाते गाड़ी को। तो भाई बिल्कुल वही है। तो गाइस हमने आपको पूरी गाड़ी दिखा दी है, सिस्टम वगैरह सब चीज सुना दी। भाई का इंस्टाग्राम नहीं चाहिए रहा होगा, और यूजर नेम स्क्रीन पर मिल ही जाएगा। तो अगर यहाँ तक वीडियो देख लेते हैं, लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।